प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर होते हैं ना, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हो तो आपको बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ज़रूर देख जाए ताकि आप सभी को ये आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12वीं का आपका बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का जारी किया गया है और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पूरे के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे और इसके फुल सॉल्यूशन को भी देखने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग समय वगैरह को देख लें, यहाँ से आपको इसके बाद में निर्देश को पढ़ लेना है और यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। तो देखिएगा, ये दिया गया आपके पेपर का खंड आ, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब खंड आ में सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देखना है। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है समझते हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा है एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है, ए इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग देखते चले इनको। अब इसके बाद में पहले क्वेश्चन का उत्तर हमने देख लिया है, अब उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से देख लेंगे, अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वे कहलाती है। तो देखिएगा, किसके रूप में उपयोग करते हैं, आगत सामग्री के रूप में, उपभोक्ता वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ, मध्यवर्ती वस्तुएँ या अन्य। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएँ, यहाँ से आपको लिख लेना है। ये इसका उत्तर होगा सात नंबर का। अब इसके बाद में तीसरे नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं इसको या सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन को देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कि क्या लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये 1935 वाला 2 नंबर का इसका सही राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम यहाँ का सॉल्यूशन देख चुके हैं इतना। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है आनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में होती है। तो देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है आनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है कमी होती है। क्या लिख लेना है, कमी इसमें होती है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। तो देखिएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से चालू घाटे का घटक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है विदेशी निवेश इसका घटक नहीं होगा। तो 6 का मैंने आपको उत्तर बता दिया 2 नंबर का। अब इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा, 6 नंबर के बाद में 7वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग ये निकले। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे कहते हैं। तो देखिएगा, इसको कौन सी लागत कहते हैं, सामाजिक लागत, अवसर लागत, स्पष्ट लागत या मौद्रिक लागत। तो देखिएगा, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं अवसर लागत। कौन सी लागत कहते हैं इसको, अवसर लागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर बजट रेखा का ढाल होता है। 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बजट रेखा का जो ढाल होता है ना, वो ऋणात्मक होता है। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है पैमाने के प्रतिफल का संबंध है अति अल्पकाल से, अल्पकाल से, अति दीर्घकाल से या दीर्घकाल से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका संबंध है दीर्घकाल से। किससे है, दीर्घकाल से पैमाने के प्रतिबंध का संबंध है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि लिखा है निम्न में से किस लागत चक्र का बाल आयताकार परिवलय होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा है ना, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है औसत स्थिर लागत वक्र में ऐसा होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है जिस बाजार संरचना में दो विक्रेता होते हैं उसे कहते हैं। तो देखिएगा जिस बाजार संरचना में दो विक्रेता होते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, उसे कहते हैं द्वाधिकार प्रतियोगिता। तो देखिएगा अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सॉल्यूशन को देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखते हैं वे व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वे व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो यहाँ से आपको लिख देना है आर्थिक और उसके बाद में इकाई, क्या कहलाते हैं ये आर्थिक इकाई इनको कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टेलीविज़न वस्तु का उदाहरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविज़न जो है ना उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है, क्या लिखना आपको, उपभोक्ता वस्तु का ये उदाहरण है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख सकते हो एक आय व उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक उपभोग फलन, इस जगह पर क्या लिखना आपको, एक उपभोग और उसके बाद में फलन, एक उपभोग फलन यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। और उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उसे कहते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो देखिएगा इसका संबंध किससे होता है, यहाँ से लिख लें राजस्व और उसके बाद में बजट, किससे होता है इसका संबंध, इसका संबंध होता है राजस्व बजट से। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देख लें जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, इसे विक्रय कहा जाता है। तो देखिएगा जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय को बेचता है, इसे क्या कहते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं आधिकारिक कोष, क्या लिख लोगे आप लोग यहाँ से, आदि और उसके बाद में कारिक और उसके बाद में लिखना आपको कोष, क्या कहते हैं इसको, आधिकारिक कोष कहा जाता है। उसके बाद 6 क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में होती है। तो देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में क्या आती है, कमी आती है। तो ऐसे आप सभी लोग यहां तक का नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, या आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग यहां से इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे जैसा कि मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों बताया है। अब इसके बाद में देखिएगा एक क्वेश्चन लिखे हैं, रेपो रेट का अर्थ बताइए, मांग की लोच को सूत्र द्वारा समझाइए। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, यहाँ से आप लोग इनको देख लें और समझ लें इनको, ये आपके पेपर का खंड बाद दिया गया है, बाकी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक आप पूरी चीज़ों को देख लेंगे, ये आपका खंड सा लिखा है, सेक्शन सी है ये, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, और टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।